बात करेंगे एनआईटी रायपुर के लिए जनरल 93.8, ईडब्ल्यूएस 93.1, ओबीसी 93.8, एससी 81, एसटी 80.8 परसेंटाइल। फिर भोपाल के लिए जनरल 94.8, ईडब्ल्यूएस 94.8 अगेन, ओबीसी के लिए 94.4, एससी 82.8, एसटी 81.1 परसेंटाइल। फिर सिलचर के लिए जनरल 94.9, ईडब्ल्यूएस 94.6, ओबीसी 94.9, एससी 83.2, एसटी 80.9 परसेंटाइल। फिर सूरत के लिए जनरल 94.6, ईडब्ल्यूएस 95.1, ओबीसी 95.5, एससी 84.4, एसटी 82.9 परसेंटाइल का जरूरत है। इसके बाद अगर आप गोवा के लिए बात करें, जनरल 95, ईडब्ल्यूएस 95, ओबीसी 94.9, एससी 84, एसटी 80.6 परसेंटाइल। इसके बाद जमशेदपुर के लिए जनरल 95.1, ईडब्ल्यूएस 94.8, फिर आप ओबीसी के लिए 94.8, एससी के लिए 82.7, एसटी के लिए 81 परसेंटाइल का जरूरत है। फिर आपका उत्तराखंड जनरल 94.6, ईडब्ल्यूएस 94.4, ओबीसी 94.7, एससी 84, एसटी 80 परसेंटाइल। फिर पटना के लिए 94.94 जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर ओबीसी के लिए भी 94.7, फिर एससी के लिए 83.5, एसटी 81.6 परसेंटाइल। फिर हमीरपुर के लिए जनरल 94.7, ईडब्ल्यूएस 94, ओबीसी 94.3, एससी 82, एसटी 80। फिर दिल्ली के लिए अगर बात करें, जनरल 96, ईडब्ल्यूएस 95.5, ओबीसी 95.9, एससी 88.8।